Hello students, welcome to Science Story Tech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about the fourth part of your first chapter, which name is motion. Student, this is the part four, and we already learned previous three parts, part one, part two, and part three. And the last part, we totally learned about the equation of motion, about the derivation of equation of motion mathematically, and some numericals on based on the equation of motion. स्टूडेंट दिस ये जो हमारा चैप्टर ये पार्ट फोर है इससे पहले जो हम लोग पार्ट थ्री पढ़ चुके हैं इस पार्ट थ्री में थोड़ा सा आपको आज मैनेज करना पड़ेगा आवाज़ जो है थोड़ा सा बैठा हुआ है तबीयत खराब है ठीक है तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा आप तक अच्छे से अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पहुँचाएँ थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा पार्ट थ्री में हम लोग क्या पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा था जहां मेरा हम लोग का पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और इस तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग हम लोग मैथमेटिकल तरीके से देखे थे अपने इस पार्ट थ्री में ठीक है पार्ट थ्री का ये टोटल हम लोग का कंक्लूजन है ठीक है अब हम लोग अपने इस पार्ट फोर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मोशन चैप्टर के पार्ट फोर को शुरू करने जा रहे हैं अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपने ग्राफिकल ग्राफ के स्टडी के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मोशन में कि ग्राफ का क्या रोल है ग्राफ कैसे इन्वॉल्व है हमारे मोशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है उसमें सबसे पहला ग्राफ आएगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कोई मूविंग बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी डिस्टेंस को क्या कर रही है तय कर रही है किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है तो उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से दिखाएंगे अब देखिए अगर कोई मूविंग बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी डिस्टेंस को कवर करती है तो वो दो तरीके से कवर करती है एक यूनिफॉर्म तरीका और एक नॉन यूनिफॉर्म तरीका यानी एक को यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जब कोई मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे और वहीं पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो यहाँ हम लोग ग्राफ भी दो तरीके का देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरीके का देखेंगे पहला जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में हो और दूसरा जब बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उस बॉडी के द्वारा जो आपका एक्वायर किया गया स्पीड होता है वो भी क्या होता है यूनिफॉर्म होता है तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक यहाँ पे वाई एक्सिस है वैसे तो x और y पे आप कुछ भी प्लॉट कर सकते हो लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी दो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटीज हैं तो उनमें जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड होती है तो जिस पे डिपेंड होती है उसको रखते हैं हम लोग कहाँ पे x पे और जो डिपेंड होती है उसको रखते हैं हम लोग y पे तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है पहला डिस्टेंस और दूसरा टाइम तो जो डिस्टेंस होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा है ना तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू उसको हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे और जो डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस हमारा वाई पे चला गया और हमारा टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आ गया अब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में वो अपने डिस्टेंस को कवर कर रही है तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा ठीक है अब देखिए किसी भी क्वेश्चन का क्या होता है आंसर होता है ठीक है उसी प्रकार से ये जो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो इस ग्राफ का भी क्या होता है आंसर होता है तो किसी भी ग्राफ का आंसर क्या होता है तो किसी भी ग्राफ का आंसर होता है ये आपका स्लोप इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्लोप बोलेंगे ठीक है तो अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि ग्राफ का स्लोप ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट है ग्राफ का स्लोप पैराबोलिक है ग्राफ का स्लोप हाइपरबोला है ग्राफ का स्लोप
स्लोप आपका डाउनवर्ड है अपवर्ड है, तो ये स्लोप ही क्या होता है हमारे डिफरेंट ग्राफ्स के आंसर को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो हमारे ग्राफ ग्राफ का जो स्लोप होगा या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसका ये जो स्लोप होगा ये किसको शो करेगा, स्पीड को शो करेगा, किसको शो करेगा, स्पीड को शो करेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन में आप देख ही पा रहे हो बाबू क्या ये किस लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ये स्पीड में किस स्पीड को शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। अब चलिए यहां से बात यह है कि अगर ये स्लोप यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है तो क्या आप इस स्पीड को निकाल सकते हैं, क्या आप इस स्पीड को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि मान लीजिए कोई आपका ओ ओरिजिन पॉइंट, यहां से कोई बॉडी इस चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, वो ओ से चल के कहाँ पे आ गई, सी पे आ गई, वो ओ से चल के कहाँ पे आ गई है, सी पे आ गई है, ठीक है। इधर वो टाइम कितना ली है, ओ से बी तक का टाइम ली है, ओ से बी तक का टाइम ली है, ठीक है। ये इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ये इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अब वो बॉडी कितना टाइम ली, तो आप ये देखो बॉडी कितना टाइम ली, ओ से लेके बी तक, कितना डिस्टेंस कवर की, ओ से लेके सी तक, फिर ओ से सी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये हो गया ए बी। तो कहने का मतलब है कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ये आपका या तो ये ए बी होगा या तो ओ सी होगा, और बॉडी के द्वारा लिया गया टाइम ये ओ बी होगा या ये ए सी होगा, ठीक है। और ये बॉडी का क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये बॉडी का क्या है, स्पीड है। देखिए ये बॉडी का क्या है, स्पीड है, यानी ओ ए क्या शो कर रहा है, ओ ए यहाँ शो कर रहा है किसको, स्पीड को, ठीक है। ओ बी क्या शो कर रहा है, ओ बी शो कर रहा है किसको, टाइम को, और ये ए बी क्या शो कर रहा है, ए बी शो कर रहा है किसको, डिस्टेंस को। अब आप सभी लोग जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अपने ग्राफ के अनुसार, अपने ग्राफ के अनुसार अपन के पास ओ ए यानी कि स्पीड क्या है, तो ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बताओ क्या है, ए बी, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, टाइम क्या है, ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्पीड, आप ग्राफिकल मेथड से भी स्पीड को निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपने समझा। अब ऐसे डिस्टेंस ग्राफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसके द्वारा, जिसमें जो बॉडी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी तो उस बॉडी का जो स्लोप होगा वो स्पीड तो होगा, लेकिन कौन सा स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और उस स्लोप का जो आपका शेप होगा वो शेप आपका बेंड होगा, कर्व लाइन में होगा, ये कर्व लाइन में होगा, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ये शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसमें खासियत क्या होती है, ये आपके एक तरफ से एक एक्सिस के तरफ झुका होता है, यानी एक तरफ से एक एक्सिस के तरफ होता है और दूसरी तरफ से दूसरे एक्सिस से दूर जा रहा होता है। अब ये जो आपका शेप है, ये जो आपका शेप है पैराबोला, ठीक है, ये आपके ओ बी के तरफ से किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, और इस ओ सी की तरफ से किस शेप का है, कॉनकेव शेप का है, ठीक है। तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का स्लोप आता है वो हमेशा कर्व लाइन में आता है, और वो कर्व लाइन जो है वो पैराबोलिक शेप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात किए थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था, स्पीड था, अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ टोटल तीन प्रकार के होंगे, टोटल तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला उस टाइम का हम अपने ग्राफ को देखेंगे जब आपका बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो, चेंज ही ना हो, बॉडी का स्पीड कैसा हो, टाइम बढ़ रहा हो, टाइम चेंज हो रहा हो, टाइम बढ़ रहा हो, लेकिन चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में आपका बॉडी का स्पीड चेंज ना हो रहा हो, यानी कि एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, पाँच सेकेंड, छः सेकेंड, दस सेकेंड,
टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अगर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है तो प्रति सेकंड वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड में ही है, ना 40 से कम हो रही है ना 40 से ज़्यादा हो रही है। यानी कि पहला हम लोग उस वक्त का ग्राफ देखेंगे जब हमारे बॉडी का स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। अब आप ही समझिए, आप सब कुछ पढ़ लिए हो, अगर बॉडी के स्पीड में या वेलोसिटी में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है तो उसका एक तो फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल जीरो होगा और वो होगा एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन इज वॉट, अ मैथमेटिकल डेटा कैलकुलेटेड ऑन द चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलेशन हमारे वेलोसिटी में आए हुए बदलाव का ही एक मैथमेटिकल डेटा होता है और यहाँ पे बॉडी अपने वेलोसिटी को बदल ही नहीं रही है, चेंज ही नहीं कर रही है, तो आपका एक्सीलेशन क्या होगा? जीरो होगा, एक्सीलेशन होगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो पहला केस हम उस वक्त का ग्राफ देखेंगे जब हमारे बॉडी का स्पीड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, फिक्स हो। दूसरा, जब हमारे बॉडी का स्पीड जो है यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट का मतलब कि जैसे जैसे हमारे टाइम का इंटरवल इक्वल इंटरवल में चेंज होता है तो स्पीड का अमाउंट भी इक्वल इंटरवल में चेंज होता है। उसके बाद है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे, कि जब बॉडी का स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो उस वक्त का ग्राफ हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाई वन हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि उस वक्त का हम लोग बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ जब बॉडी का स्पीड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। लेट सपोज ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका वन यूनिट ऑफ टाइम, टू यूनिट ऑफ टाइम, थ्री यूनिट ऑफ टाइम, फोर यूनिट ऑफ टाइम, फाइव एंड लास्ट ये सिक्स। ठीक, ये मान लीजिए कि आपका वन यूनिट ऑफ स्पीड, टू यूनिट ऑफ स्पीड, थ्री यूनिट ऑफ स्पीड, फोर यूनिट ऑफ स्पीड एंड फाइव यूनिट ऑफ स्पीड एंड सिक्स यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक, अब देखिए ये बॉडी का जो स्पीड है ये जीरो पे भी सिक्स यूनिट था, एक सेकेंड पे भी सिक्स यूनिट है, ठीक है, दो सेकंड पे भी सिक्स यूनिट है, तीन सेकंड पे भी सिक्स यूनिट है, चार पे भी सिक्स है, पाँच पे भी सिक्स है, छः पे भी सिक्स है। यानी इस बॉडी का स्पीड जो है वो चेंज टाइमिंग के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना इस बॉडी का स्पीड पहले था उतना इस बॉडी का स्पीड अब भी है, बॉडी का स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा। तो बॉडी का स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है इस वक्त इस ग्राफ का स्लोप किस प्रकार के आएगा, किस स्ट्रक्चर में, किस शेप में, किस डिजाइन में आ रहा है? तो आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, स्पीड है। तो ग्राफ का स्लोप जो आ रहा है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारे टाइम एक्सिस से क्या आएगा, पैरेलल आएगा। टाइम एक्सिस से क्या आएगा, पैरेलल आएगा। टाइम एक्सिस से पैरेलल आएगा यानी कि हमारी स्पीड पे एक ही पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा उसी पॉइंट के स्पीड को ये बॉडी अपने दो अपने अंदर क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है और उसी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, ना वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है ना अपनी स्पीड को ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो अगर बॉडी का स्पीड नहीं बदल रहा है, बॉडी का स्पीड कॉन्स्टेंट है, उस वक्त जब हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे या बनाएंगे उस वक्त जो हमारा स्लोप आएगा वो स्लोप जो होगा वो हमारे टाइम एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। हमारे टाइम एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, चलिए यहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो एक बात समझिए बाबू, आप स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, आपको ये पता करना है कि हमारे बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है ग्राफ की मदद से। तो आप ये देखो कि आपका स्लोप कहाँ बन रहा है, आप ये देखो कि स्लोप के अकॉर्डिंग आपका एक्स एक्सिस कहाँ है और आप ये देखो कि स्लोप के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस कहाँ है। अब आपका स्लोप, ठीक है, एक्स एक्सिस और y एक्सिस, इन तीनों के द्वारा जो कंबाइंड एरिया कवर किया जाएगा, जो कंबाइंड एरिया कवर किया जाएगा उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल।
अब जैसे यहाँ पे आपके बॉडी का या आपके ये स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप ये है, ठीक है सर, ये रहा आपका वाई एक्सिस यानी कि स्पीड एक्सिस, और ये है गया टाइम एक्सिस, ठीक है, ये आपका ये एरिया क्लोज हो गया। अब ये जो आपका एरिया होगा, इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा, वही इस बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी ओ या ए ओ सी बी, इसका एरिया यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी बी। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, तुम्हारे बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अपने स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म रेट में अपनी स्पीड को क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो, अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। एक वर्ड यहाँ समझ लेना आपको, एक वर्ड जैसे आपके पास यहाँ यूनिफॉर्म, ठीक, अब ये यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो यानी कि वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर इसका ग्राफ बनेगा और तो स्लोप हमेशा जो होगा, हमेशा जब स्लोप होगा वो किस कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बॉडी के स्पीड टाइम ग्राफ को बनाने जा रहे हैं, जिस वक्त बॉडी अपनी स्पीड को चेंज तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट में चेंज कर रही है, यानी इक्वल टाइम के कंपेयर में इक्वल डिस्टेंस कोई क्या कर रही है, इक्वल स्पीड कोई क्या कर रही है, चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये बॉडी जो है ये 0 से 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट और ये 50 मिनट, ठीक है, ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर और ये 50 मीटर, ठीक है। अब देखिए ठीक है, यानी कि बॉडी 0 से 10 मिनट में चलिए इसको सेकंड ही मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो बॉडी 0 से 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आई है, यानी 0 पे 0 0 था 0 पे ये क्या था, ये आपका ओ है, ओ यानी कि 0 x भी 0 और y भी 0, यानी कि ओरिजिन पे हमारा बॉडी का टाइम भी 0 था और स्पीड भी 0 था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अब ये टाइम बढ़ा 0 से 10 सेकंड हुआ तो हमारा स्पीड भी बॉडी का 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 से 20 हुआ तो ये भी आपका 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, जब 20 से 30 हुआ तो ये भी आपका 20 से 30 मीटर पर सेकंड हो गया। कहने का मतलब है कि पर 10 सेकंड में बॉडी का 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि प्रति सेकंड में 1 सेकंड में बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी प्रति सेकंड आपका बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड को क्या कर रही है, बदल रही है। तो जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड को चेंज करेगी तब बॉडी का जो स्लोप आएगा यानी कि जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो हमेशा किस में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, किस में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी अगर अपने यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है तो जो आपका स्लोप आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए कुछ ही क्षण पहले आपको पढ़ा रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आया था वो स्लोप की क्या इंडिकेट कर रहा था, तो वो स्लोप आपका इंडिकेट कर रहा था द मूविंग बॉडी की स्पीड को। अब यहाँ पे खुद स्पीड टाइम ग्राफ है तो इस स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करेगा, तो इस स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये बॉडी के एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा। अब चूंकि बॉडी का जो चेंज इन स्पीड का नेचर है वो यूनिफॉर्म है तो ये स्लोप जो होगा ये भी आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करेगा, किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब रही बात कि हमको निकालना है सर, जैसे आप पहले वाले केस में बॉडी का डिस्टेंस निकालें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और स्लोप के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज किया जाएगा, वही उस बॉडी का तय किया गया डिस्टेंस होता है।
तो यहाँ भी हमको डिस्टेंस निकालना है बॉडी के द्वारा तय किया गया। तो उसके लिए हम अपने स्लोप पे ध्यान देंगे, ये हमारा स्लोप है, ये रहा हमारा टाइम एक्सिस और ये रहा हमारा स्पीड एक्सिस, ठीक है। इधर से भी आप ले सकते हैं लेकिन कोई एक ही आप लीजिए। तो ये जो आपका पिक्चर है, आपका फिगर नंबर वन, ठीक है, यही बॉडी का क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अब ये बॉडी का डिस्टेंस कवर होगा तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे कैसे, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ पी क्यू। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू होगा, ओ पी क्यू, वही आपका होगा बॉडी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी। अब इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया को कैसे निकालेंगे, हम सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2 और बेस अपन लोग के पास क्या है, बेस ओ क्यू, ठीक है, और हाइट क्या है तो ये पी क्यू। अब ये जो वैल्यू आएगा आपका 1/2 ओ क्यू इंटू पी क्यू, यही आपका वैल्यू होगा किसके द्वारा, डिस्टेंस का, बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जा रहा है, ट्रेवल किया जा रहा है, यही डिस्टेंस का आपका वैल्यू होगा। अगर आपको ये ट्रायंगल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और बाई टू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस एक और तरीके से निकाल सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू, ओ आर पी क्यू बाई टू, और ये भी बॉडी का क्या होगा, तय किया गया डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अपने मोशन को तय कर रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रही हो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड को चेंज कर रही हो, उस वक्त उसका ग्राफ जो है बॉडी का वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने समझा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड shows uniform acceleration. On the other hand, in a speed time graph of a body, a straight line sloping downward shows uniform retardation. ठीक है, अब देखिए जो आपका शब्द है ये acceleration, ये acceleration का मतलब होता है change in velocity, change in velocity with respect to time. अब change in velocity जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा velocity बढ़ेगा ही, चेंज इन वेलोसिटी में जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा आपका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, हमेशा वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक्सीलरेट करते हैं तो वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज करता है, और जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग का डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज कर रहे हैं तब भी बॉडी एक्सीलरेशन में आ रही है, और डिक्रीज कर रहे हैं तो चेंज तो हो रहा है ना भाई, चेंज तो हो रहा है, चेंज वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलेट कर रहे हैं तब भी एक्सीलेशन, और अगर ब्रेक ले रहे हैं तब भी आपका एक्सीलेशन। तो जब बॉडी का वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और अगर यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज करता है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर आपका बॉडी का वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे जो हम लोग का एक्सीलेशन आता है, यानी कि जो हम लोग का स्लोप आता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो समझिए कि जो हम लोग का डिक्रीमेंट हो रहा है, जो हम लोग का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो आपका यूनिफॉर्म तरीका से कर रहा है। तो जब आपके एक्सीलेशन हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी में डिक्रीज करा के, तो उस वक्त के एक्सीलेशन को हम क्या शो करते हैं, क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ इस प्रकार से है कि उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड बन रहा है, तो वो स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्लोप को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो समझ जाइएगा कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में अगर कोई आपका ग्राफ पड़ा हुआ है, तो वो स्लोप क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। या अगर आपसे क्वेश्चन आए कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का स्पीड टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ शो कीजिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केस में, तो आप अपने स्ट्रेट लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है,
ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो जीरो से होगा, इंक्रीज होगा तो जीरो से होगा, और डिक्रीज होगा तो आपका कहीं ऊपर से आकर जीरो पे खत्म होगा। समझिएगा कि डिक्रीज होने पे डाउनवर्ड क्यों, मान लीजिए ये 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड पे कोई आपका बॉडी में ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगा तो धीरे धीरे कम ही ना होगा, 50 से 40 पे आएगा, 40 से 30 पे आएगा, 30 से 20 पे आएगा, 20 से 10 पे आएगा, और फिर लास्ट में आगे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये चीज समझना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानना है कि स्पीड टाइम ग्राफ एंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत सारे मूविंग बॉडी को उस वक्त नोटिस करते हैं जब बॉडी पहले से कोई इनिशियल स्पीड को एक्वायर कर ली है और उसके बाद वो अपने वेलोसिटी को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। तो मान लीजिए कि ये बॉडी का ओबी जो है, ये ओबी जो है ये इनिशियल स्पीड है, पहले से बॉडी ओबी इनिशियल स्पीड को एक्वायर कर ली है, और जब हमने नोटिस करना स्टार्ट किया उस वक्त से ये बॉडी अपने यूनिफॉर्म तरीके से अपनी स्पीड को चेंज करना शुरू कर दी। तो अगर आपके कोई किसी बॉडी के पास ये पहले से कोई इनिशियल स्पीड है और उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म तरीके से अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, तो अब जो आपका स्लोप उठेगा वो स्लोप आपका ओरिजिन से नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जीरो जीरो पे नहीं थी, ये आपका स्लोप वहाँ से उठेगा जहाँ से बॉडी अपने स्पीड को चेंज कर रही है आफ्टर सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बॉडी का ओबी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बाद ये स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बार स्पीड यहाँ से चेंज हो रहा है, ना कि आपका जीरो से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी बॉडी का जो स्लोप आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप डिस्टेंस को निकाल सकते हो, एक ही कंसेप्ट है। डिस्टेंस हमेशा तभी निकलेगा जब आपके स्लोप और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का इनक्लोज जो आपका फिगर आएगा उसका एरिया निकाल लोगे तो तुम बॉडी का डिस्टेंस कवर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आपके पास स्लोप कहाँ है बाबू, स्लोप आपका कहाँ है, ये रहा बी सी। ठीक है, अब आपके पास स्पीड एक्सिस कहाँ है, ए सी। टाइम एक्सिस कहाँ है, ओ ए। ठीक है, और फिर आप इसको मैच करो क्योंकि क्लोज करना है, तो क्लोज करना है, तो ये जो पिक्चर आ रहा है यही पिक्चर का तुम क्या निकाल दो, इसी फिगर का तुम एरिया निकाल दो, और इसी फिगर का जो एरिया होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इस फिगर का नाम क्या है, इस फिगर का नाम है ओ बी सी ए, और ये फिगर है किस शेप का, तो ट्रापेजियम के शेप का है। किसका, किस शेप का है, ट्रापेजियम के शेप का, यानी ट्रापेजियम ओ बी सी ए का एरिया निकाल दो, ओ बी सी ए ट्रापेजियम का एरिया निकाल दो, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अपने पिक्चर के अनुसार या अपने ग्राफ के अनुसार हम लोग का सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है, ठीक है, तो पहला पैरेलल साइड हो गया OB और दूसरा AC, यानी कि OB प्लस AC और इनटू हाइट, यानी हाइट क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो OB और AC के बीच का डिस्टेंस क्या है, OA। ठीक है, तो OA ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो आपके जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो उस वक्त स्लोप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, वही उस बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस का काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि जब किसी मूविंग बॉडी का जो स्पीड है, ठीक है, ये चेंज करता है कैसे, नॉन यूनिफॉर्म नेचर में। किस नेचर में, नॉन यूनिफॉर्म नेचर में। अब देखिए, जैसे ही आपके पास वर्ड आया था अभी कुछ क्षण पहले आपको बताए थे कि अगर आपके पास वर्ड आया यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म वर्ड जैसे आया वैसे समझिएगा कि जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। अब जैसे तुम्हारे पास वर्ड आया नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का जब ग्राफ बनाओगे तो इसका स्लोप हमेशा कर्व लाइन में ही बनेगा, कर्व लाइन में ही बनेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि फिक्स है कि पैराबोला ही बनेगा, लेकिन सीधा नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन इररेगुलर मैनर में चेंज हो रहा है, इररेगुलर नॉन यूनिफॉर्म नेचर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बॉडी का स्लोप बनेगा वो आपका कर्व लाइन में बनेगा, और ये चूंकि आपका स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है तो एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यानी कि जब बॉडी का
स्ट्रेट लाइन में बना था स्लोप तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, जब कर्व लाइन में बना है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल आज का ये क्लास था, और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही पढ़े। ठीक है, एक क्लास हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग का आगे आने वाला जो पार्ट है यानी कि पार्ट फाइव, इस पार्ट फाइव में हम फिर से सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यानी कि जितने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले आपको हम प्रूफ कराया है, उस सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ तो करेंगे। लेकिन सर आप बोलोगे कि आप प्रूफ कराए दिए तो क्यों प्रूफ करोगे, तो अब की बार हम इसको प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। पहले हम किस मेथड से प्रूफ किए थे? मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, अब जो आज आप लोग को हम ग्राफ बताए हैं उन सारे ग्राफ का हेल्प लेके अब आपको हम इन सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, और उसके बाद इस पर आपको हम क्वेश्चन बनवाएंगे। अब हम लोग का मुश्किल से मुश्किल एक से दो पार्ट का क्लास रह गया अपने कॉन्सेप्ट में, जिसमें आगे हमने यही पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे अपने क्वेश्चन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग अपने चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है बाबू, तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट यानी कि पार्ट फाइव में, इसी चैप्टर के पार्ट फाइव में। तब तक के लिए थैंक यू, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।